नमस्ते भारत, हम बलराम किसान हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर। इन दिनों काफ़ी आंधी तूफान आ रहे हैं और पूरे भारत से मेरे पास वीडियोस आ रहे हैं और पब्लिक पूछ रही है बलराम भैया क्या करें हम। तो पहले तो इन वीडियोस को देखते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और हम क्या गाइड कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, मैं आपको क्रमबद्ध दिखाता हूँ। ये महाराष्ट्र से है, आंधी तूफान का दौर चल रहा है, अभी जून चालू है और अब इस परिस्थिति में किसान ने क्या करना चाहिए ये किसान को समझ में आ नहीं रहा है। किसान परेशान है कि अब सलाह ले कहाँ से। किसान पाठशाला पर किसानों ने वीडियो काफ़ी सारे भेजे हैं कि बलराम भैया हमें गाइड कीजिए। एक्चुअली केले की खेती में बहुत सारा पैसा लग जाता है और किसान ना उम्मीद के सहारे ही जीता है। ये एक वीडियो महाराष्ट्र से है और दूसरा फिर और बतलाता हूँ, कुछ मध्य प्रदेश से वीडियोस हैं और हैरान हो जाओगे यार आप लोग, मतलब किस तरीके से दिक्कत आती है किसान को समझने में, आपको भी परेशानी आएगी। एक रुपए की इनकम घर पे नहीं जाने वाली है। अब यहाँ पर किसान से चूक क्या हुई है, देखो प्रकृति बदल चुकी है, हमने ही उसको बिगाड़ा है। पेड़ पौधे काट दिए हैं, कोई भी ग्रीनरी की बात नहीं करता है। आज की तारीख में पूरे भारत में केवल ऑक्सीजन पार्क ही ग्रीनरी की बात कर रहा है। अगर आप गूगल पर या यूट्यूब पर डालेंगे ऑक्सीजन पार्क तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी। उसके साथ जुड़िए, आपके गाँव, आपके घर, आपके शहर में अगर आपको ग्रीनरी करना है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है और टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो आप ऑक्सीजन पार्क से जुड़िए। हम पेड़ों को काट काट करके आंधी तूफान को इनवाइट किए हैं, एक वो मेन कारण है। लेकिन दूसरा और कि फार्मर अगर अपने खेती के तरीके को सही करे, मैं आपको बतलाऊंगा कि इतने आंधी तूफान में भी आप कैसे पैसा कमा सकते हो। अब ये फार्मर केवल 10 साल पीछे नहीं जाएगा बल्कि इसके घर की स्थिति भी ख़त्म होगी, ख़राब होगी, बिटिया की पढ़ाई भी दिक्कत में आएगी, बच्चों की पढ़ाई तकलीफ़ में आएगी। ये फार्मर जिनके यहाँ का केले का खेत इस तरह से गिर पड़ हुआ है ना, ये पूरे गांव में मुंह छिपाता हुआ रहेगा 1 से 3 साल तक, क्योंकि पैसे कहाँ से भरेगा। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं, ये अलग वीडियो है दूसरी जगह का, पूरा कमर से टूटा हुआ है। आंधी तूफान इतना आया है, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले तूने मेरे ही खेत में क्यों आंधी तूफान भेजा, इससे बात करेंगे। हम साइंटिफिक बात नहीं करते हैं कि हम इससे किस तरीके से बचें। इसी तरीके से किसान पाठशाला के साथ एक व्यक्ति जुड़ा है, उनके यहाँ भी आंधी तूफान आया है, उनको भी मैं ये वीडियो का रिप्लाई दूंगा कि वो किस तरीके से बचे हैं और अपनी अगली फसल ले सकते हैं। अब यह देखिए, यह वीडियो है बुरहानपुर से, सुनिए पहले इसको देखिए। नमस्कार बोल रहा हूँ, नमस्ते, मैं प्रणय पाटिल, ग्राम दत्तागढ़ बुरहानपुर। ये 6000 प्लॉट रेवा जीना इनका प्लॉट था, सुना आपने, ये 6000 पौधे लगे हैं रेवा G9 के हैं और इस प्लॉट में आपको कुछ खासियत दिखेगी, आप समझने की चेष्टा कीजिए क्या खासियत दिखेगी। सिंगल पौधा है, उसके साथ नया बेबी खड़ा है। भारत में एकमात्र बी किसान ग्रुप है जो पूरे किसानों को समझाता है कि केले की खेती किस तरह से की जाए। नंबर है 94257 38222, यहाँ पर गाइडलाइंस लीजिए। आप किसी भी कंपनी का पौधा ले रहे हो लेकिन केले की खेती कैसे की जाए ताकि आंधी तूफान में भी आपके पास कुछ पौधा बचे और अगली फसल रेडी हो जाए बिना खर्चे के। मैंने आपको जो पिछले वीडियो दिखाए हैं उनमें 1 रुपया आपके घर नहीं आएगा और वो जो आंधी तूफान में जो 5x5, 5x6, 5x5.5 के पौधे लगे हुए हैं, आंधी तूफान में जो गिरपड़ हुई है वो सारा का सारा समेटने में आपको 25,000 रुपये एकड़ का उल्टा खर्चा लगेगा। नई फसल लाने के लिए फिर 10,000 रुपये की रिपेयरिंग लगेगी, तो 25 से 35,000 रुपये आपको नई फसल लाने के लिए उस खेत को तैयार करने में लगा होगा। और आपने किसी भी कंपनी का पौधा लिया, 5x5 पे लगाया तो 1750 पौधे, 5x6 पे लगाया तो 1450 पौधे, और वो खेती को ठीक करने में फिर पैसा, तो कुल मिलाकर कर्ज की खान में अगर जा रहे हैं आज के बाद, अगर आप केला बिना सोचे समझे लगा रहे हैं, ग्राफ पता नहीं है तो, क्योंकि आंधी तूफान, गारपीट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हेवी ठंड, हेवी गर्मी, हेवी बारिश से हम क्लाइमेटिक जोन से बचेंगे नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिक्कतें बढ़ चुकी है। ये रेवा का पौधा है और बी किसान की गाइडलाइन है, तो ये फार्मर को भी नुकसान हुआ है
लेकिन कैसे बचेंगे और ये फार्मर कैसा थोड़ा सा अगली फसल को फास्ट ले लेगा, देखिए। ये बुरहानपुर के किसान हैं। अब ये जो केला गिर पड़ हुआ है ना, इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी केला गिरा है उसके साइड में बेबी खड़ा है। ये जो नया बच्चा है ना, ये हम बोलते हैं कि हर 6 माह में आपको पौधे के पास उत्तर दिशा में नया बेबी रखना है, अगली जनरेशन। पूरे भारत में एकमात्र बी किसान ग्रुप है, बीके ग्रुप है, जो किसानों को सलाह देता है कि एक बार केले की खेती करो, अनेक साल तक केला लेते रहो। आंधी तूफान आया तो मेन जो बंच है वो गिर गया, लेकिन साइड का बेबी खड़ा है, इससे अगली फसल आप ले सकते हो। दिखाता हूँ कैसे। ऑब्जर्व कीजिए आप पूरे खेत में, एक तो बेबी खड़े होने से पौधा गिर पड़ नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन पौधा गिर गया है, आंधी तूफान आपके मेरे हाथ में नहीं है, गिर गया है, लेकिन उसके साइड का बच्चा खड़ा है, जिससे किसान अगले 6 माह के अंदर वापस इसी खेत से नए केले का फल ले लेगा। ये किसान पाठशाला ने 70-30 फार्मिंग की टेक्नोलॉजी जो ईजाद करी है, पूरे भारत के लिए निःशुल्क है। किसान पाठशाला पर 70-30 कॉन्सेप्ट का एक वीडियो है 999 का, इसे आप किसान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो देखो, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके खेत की हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और केले की खेती कैसे करना है उसके लिए और कुछ वीडियो नंबर है 939 बनाना फार्मिंग देखेंगे, और उत्तर भारत के किसान 1916 नंबर का वीडियो देखेंगे किसान पाठशाला पर, तो आपको केले की खेती किस तरीके से करनी है उसका पूरा पूरा प्रारूप मिलेगा। पूरा वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये किसान के पास भी गिरपड़ हुई है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जो नए बेबी हैं ये खड़े हैं, नए बेबी खड़े हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को तुरंत ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम जो अब फार्मिंग कर रहे हैं उसको हम कैसे ठीक करें। तो जिस मित्र ने ये मुझे वीडियो भेजा है उनको भी मैं सलाह दे दूं कि आप इसको कैसे आगे ठीक करोगे। नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। बुरहानपुर के फार्मर हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ करके जो गिरपड़ हुई है उसमें जो गिरपड़ है उसको रखना पड़ेगा। जिसे ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक लाइन में बायोमास आच्छादन कीजिए, जो आप यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं। इस लाइन में बायोमास आच्छादन, एक लाइन खाली, फिर एक लाइन में बायोमास आच्छादन, जो आपका गिरपड़ हुआ है उसको आच्छादन कर दीजिए, और साइड का जो बेबी निकला है उसको आप कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपकी फसल अगले साल वापस आए। और इस तरह के जितने भी किसान हैं, इस तरह के जितने भी किसान हैं उनको किसान पाठशाला निःशुल्क गाइडलाइन देगा, उनसे कोई BFS का चार्जेस नहीं है, जिनकी फसल गिरपड़ हुई है। यहाँ पर आप देखोगे 70-30 का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, 10 फीट पे नाली होती है, एक बराबर होता है, फिर 10 फीट पे नाली होती है। और जनरल किसान क्या करता है, हर 5-5 फीट पे नाली करता है, उसकी बजाय एक नाली, एक बराबर, एक नाली, और ये जो बराबर है यहाँ पर जो गिरपड़ हुए हैं वो पौधे, और यहीं पर नया बेबी, और ये नाली हम किसानों के लिए चल फिर करने के लिए। तो बहुत ही आसान है, जो गिरपड़ हुई है वो इस जगह पर डाल दीजिए, और नया बेबी जो आएगा उसके लिए 94-257-38-222 यह नंबर है, 9425738222 किसान पाठशाला का। इस तरह के जो भी किसान हैं अपना वीडियो भेजिए और आपको निःशुल्क सलाह मिलेगी। 365 दिन का BFS बैलेंस फर्टिकेशन सॉफ्टवेयर का शेड्यूल निःशुल्क मिलेगा। हम हर उस किसान के साथ हैं जो तकलीफ में है। हाँ, जो अपने आप में अच्छे से होशियार हैं वो अपने आप से खेती करें, 5x5 पर केला की खेती करें। ये यहाँ पर दिखेगा आपको कि नया बेबी खड़ा है और साइड में गिरपड़ हुई है। आंधी तूफान हम आपके हाथ में नहीं है। और दूसरी बात, आप ये भी देखकर महसूस करेंगे कि बहुत कम गिरपड़ हुई है। ये जो नया बेबी है ना, ये आपकी अगली फसल फ्री में लेकर के आएगा। ये जो बच्चा है साइड में निःशुल्क आएगा, क्योंकि जो गिरपड़ हुआ है वो पत्ता, वो डंडा, वो टहनी, वही खाद बनेगा। इसको वाइसेनोमेटा का ड्रेंचिंग करना है, कचरा मल्चिंग करके,
SSP आता है, सिंगल सुपर फास्फेट, जहाँ पर भी आपने कचरा मल्चिंग किया है, इसकी लाट को कटिंग करना है, चोपिंग करना है, छोटे छोटे पीस करना है, ऐसे बिछाने के बाद उसको कट 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 करना है। उसके बाद में SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो, उसमें SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो, उसमें 100 ग्राम वाइसिनोमेटाइज का मिश्रण करना है और उस जगह के ऊपर बिखरा देना है जहाँ पर आपका बायोमास आच्छादन है। साथ साथ VM स्प्रे करना है उसके ऊपर, ताकि उस सड़न क्रिया में जल्दी आए और आपका जो नया बेबी है इसको मार्केट से कोई भी फर्टिलाइज़र लाकर डालने की ज़रूरत नहीं है, और उसी के खेत की पत्ती, टहने, कचरा जो है उसको गला करके इसका हम खाद बना करके अगली फसल लेंगे। केवल 70-30 फार्मिंग करना और कम साइकिल का पौधा लगाना, जैसे रेवा है वह 4 साइकिल का पौधा देती है, तो आपकी रटून अच्छी आएगी, इसकी गारंटी बी किसान ग्रुप लेता है। ये जो रटून है इसका उत्पादन 100% प्रीमियम आएगा। कब? जब कम साइकिल का पौधा है, सही से 70-30 फार्मिंग फॉलो की है और 5x7 का ग्राफ है। काफ़ी सारे किसान बोलते हैं 5x7 के ग्राफ में पौधे गिरपड़ होते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में लाइव दिखा रहा हूँ कि 5x5 पूरा ख़त्म होकर लेट गया है, 5x6 पूरा ख़त्म होकर लेट गया है, 5x7 जिस किसान ने ये बेबी रखा है ये कम से कम अगले 6 महीने में फसल ले लेगा और पुरानी फसल और नई फसल का उत्पादन घर खर्च चला लेगा और गड्ढे में नहीं जाएगा। सोच आपको निर्भर करती है कि आपकी सोच कैसी है, आप फार्मिंग कैसे करते हैं। हमारा दायित्व है कि जो हमारे पास नॉलेज है किसान पाठशाला के पास, पब्लिश करें और आम पब्लिक तक वो सारी जानकारी पहुंचाए। ये जो नया बेबी है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह आज की तारीख में 5 फीट का है, और जैसे ही ये रिवर्स होगा ये 3 महीने में 9 फीट क्रॉस करेगा और 4th महीने के बाद फ्लावरिंग देगा। अगले 4 महीने के बाद यह बेबी, और अगले 3 महीने के बाद इसका माल कटन पे आएगा, तो अगले 7 महीने में इस खेत से वापस री फसल आएगी। और ऑलरेडी अगर आप देखो इस खेत की जो कंडीशन है, यहाँ फसल तैयार है और लगभग जितने बंच बचे हुए हैं वो माल कट कर बिकने के लिए रेडी है। अगर ये बंचेस को देखेंगे तो रेवा का बंच किस तरीके से आता है ये आपको दिखेगा। रेवा के बंच की क्वालिटी आपको समझ में आएगी किस तरीके से आता है, सुपर प्रीमियम एक्सपोर्ट क्वालिटी का बंच आता है। सो सभी फार्मरों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो वायरल करें, ताकि किसानों को समझ में आए कि कम साइकिल का पौधा लें तभी आप 6 महीने के अंदर नया बेबी रख पाएंगे और केले की खेती के लिए किसान पाठशाला पर बने रहें। ऐसा नहीं कि 5x5 हमने पौधा लगाया, एक ही साल फसल ली, 1 लाख रुपए का खर्चा किया और आंधी तूफान में अगर गिरपड़ हुई तो ये पूरा का पूरा जेब से गया और अगले साल 30-35 हज़ार रुपये उस खेत को ठीक करने के लिए हम लगा रहे हैं। हाँ, फसल को बाहर निकाल करके ठीक करने के लिए लगा रहे हैं। तो इस तरीके से खेती करना हो तो केले की खेती मत करो, दूसरी फार्मिंग करो। आंधी तूफान अब आते ही रहेंगे, इसके लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए बी किसान ग्रुप ने 5x7 का ग्राफ निकाला है, 70-30 फार्मिंग निकाला है जिसमें किनारों पर पौधे लगते हैं, यहाँ बायोमास आच्छादन होता है और 5x7 पर हर 6 महीने में नया बच्चा रख सकते हैं, जब आपका पौधा कम साइकिल का हो तब ही, वरना आपकी मेन फसल का उत्पादन इस तरह की क्वालिटी नहीं आएगी। हम डंके की चोट पर इसलिए कह रहे हैं कि रेवा ही एकमात्र भारत में कंपनी ऐसी है जो 6 साइकिल, 4 साइकिल और BK बनाना सिंगल साइकिल का पौधा दे रही है। सो जिन मित्रों को यह वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और किसानों तक पहुँचाने में और किसानों तक केले की खेती सही करने में उनकी मदद कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे लाल कलर का बटन है, ताकि मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।